हेलो दोस्तों, श्री गणेश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चाय का मसाला। सो देखिए, चाय का मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 8-10 लौंग लिए थे और थोड़ी एक चम्मच अजवाइन का लिया है, 2 चम्मच मैंने सौंफ, मीठी सौंफ ली है और 2.5 चम्मच मैंने सूंड ली है और 2 चम्मच मैंने छोटी इलायची पाउडर के इलायची ली है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 2-3 बड़ी इलायची ली है और 1 स्टिक मैंने दालचीनी की ली है। मैंने इसे इन्हें क्या किया है, सभी को हल्का दरदरा इसमें कूट लिया है, कूटने वाली में। आप चाहे तो बड़ा मामजिस्ते के साथ भी इसको कूट सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेंगे हम, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को हल्का दरदरा कूट कर इसमें मिक्सी के जार में डाल दिया है ताकि हमें पीसने में आसानी हो जाए। अब इसका ढक्कन बंद करके इसे बारीक और पीसेंगे। देखिए, मैंने सभी चीज़ों को बारीक मिक्सी में पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारा मसाला चाय का पिसकर तैयार हो गया है। सो देखिए, मैंने चाय के मसाले को बनाकर इस बाउल में डाल लिया है। बहुत ही बढ़िया चाय का मसाला बनके तैयार हो गया है। जब भी आपने चाय बनानी हो, इसका ये छोटी चम्मच इतना चाय के पानी में डालकर चाय बनाएं, फिर बहुत ही बढ़िया आपकी चाय बनकर तैयार होगी और किसी भी प्रकार का दर्द हो, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।